इस तरह से तोड़िए, देख सकते हैं अंदर से कितना खस्ता बन के तैयार है फ्रेंड्स। तो इसको तोड़ते हैं और यहाँ सब्जी में डुबोते हैं, इस तरह से डुबो कर सब्जी का आनंद लीजिए फ्रेंड्स। और हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती सब अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ होटल वाली कचौड़ी और आलू चना का सब्जी बनाने। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आलू उबाल ली हूँ, छिलका उतार लिए हैं और चना भी साथ में उबाल लिए हैं। और बिल्कुल मैं होममेड मसाला से बना रही हूँ। तो यहाँ पे जीरा मिर्च ले लिए हैं एक चम्मच बड़ा चम्मच से, और लहसुन 7-8 कलियाँ, और लाल मिर्च जो हरा मिर्च होता है वही सूख गया है तो लाल हो गया उसको ले लिए हैं, और 2 टुकड़ा अदरक इसको पीस लेते हैं। और साथ में गोभी भी, फूल गोभी भी डाल रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा भूरा कलर में इसको तल ली है, अब इसको निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब सब्जी बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई रख दी, कढ़ाई में तेल डाल दी है, और यहाँ पे तड़का के लिए हींग डाल, अरे जीरा डाल देंगे। जीरा के बाद सूखी लाल मिर्च डालेंगे, जीरा के बाद मैं डाल रही हूँ प्याज। एक प्याज ले ली थी, उसको मोटा मोटा कट कर ली थी। अब चाहे तो पसंद है तो प्याज डालें या नहीं डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं प्याज डाल दूँ, अच्छा लगता है। और फिर यहीं पे मैं डाल रही हूँ हींग, नॉर्मल हींग है, कोई भी हींग आप डाल सकते हैं। और नॉर्मल है तो थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए, और एक आता है उसको थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, नहीं तो क्या है कि हींग का ज़्यादा टेस्ट आने लगता है। अब यहीं पे मेरा प्याज का कलर चेंज हो गया फ्रेंड्स, अब यहीं पे मैं टमाटर डाल रही हूँ। टमाटरों के बाद मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, अब तीखे के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी स्टेज पे मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, छोटा चम्मच से 1 चम्मच डाल कर इसको भून लेते हैं। और जो मसाले पीसे थे होममेड मसाले उसको भी डाल देंगे। और यही से मैं चने डाल रही हूँ, चने जो उबाल कर रखी थी 1 कटोरी उसको भी डाल रही हूँ, और डालकर इसको पूरे करा लेंगे ताकि अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो जाए। और एक पर गोभी भी डाल रहे हैं। और जो आलू उबाल कर इसको मैश कर लेंगे, बड़े बड़े टुकड़ा में, ज़्यादा टुकड़ा नहीं करना है इसको फ्रेंड्स, तो ताकि होटल का सब्जी किसे रहता है छोटा बड़ा इसी तरह बिल्कुल कर दें। और पूरी सब्जी का ही फ्रेंड्स नमक डाल रहे हैं। और यही पे आमचूर पाउडर डाल रहे हैं, आमचूर पाउडर नहीं है आपके पास तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा चना और मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, और इसी स्टेज में पानी डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं पानी अच्छी तरह से डाल दिए हैं, और इसी स्टेज पे मैं गरम मसाले डाल रही हूँ। आपके पास कोई भी मसाले हैं आराम से डाल सकते हैं। मसाले के बाद धनिया पत्ता भी डाल रही हूँ ताकि अच्छी तरह से धनिया पत्ता भी पक जाए। और इसको ढक कर पका लेते हैं 2 मिनट तक। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मेरा फाइनली चने और आलू और साथ में गोभी का सब्जी बनके फ्रेंड्स तैयार है, बिल्कुल होटल स्टाइल पे। आप लोग कितना अच्छा कलर
देखने में अच्छा लग रहा है, तो इसको यहीं पे गैस में बंद करती हूँ। और यहाँ पे मैं एक कटोरी गेहूं का आटा ली हूँ, एक कटोरी गेहूं का आटा ले ली हूँ, तो साथ में मैदा भी एक कटोरी ही लिए हैं फ्रेंड्स, तो इसको भी साथ में चाल लेते हैं चलनी में, ताकि कुछ भी हो इसमें कचरा उचरा निकल जाए आराम से। तो देख सकते हैं अब यहीं पे मैं डाल रही हूँ जवाइन, हाथ से क्रश करके डाल लेंगे, और साथ में जाएगा नमक। और घी या रिफाइंड कोई चीज भी आप डाल सकते हैं। और यहीं पे मैं लगभग 4 चम्मच के करीब में रिफाइंड डाल दे रही हूँ, घी है तो घी भी डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पे रिफाइंड डाल रही हूँ। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। और आपका मुट्ठी बन जाए फ्रेंड्स, तो समझिए कि आपका अच्छी तरह से खस्ता कटोरी बन के तैयार होगा। तो फ्रेंड्स इसको गूंथ लेते हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड्स गूंथ लिए हैं आटा, देख सकते हैं। अब इसको ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख लेते हैं। देखते हैं आटे की तरह दिख रहे थे फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं आटे अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब इसमें से एक छोटी सी लोई ले रहे हैं, इतना छोटा। और यहाँ पे मैं सत्तू ले रही हूँ, कचौड़ी के अंदर मैं सत्तू भर बना रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग। और इसमें नमक बस डाले हैं, नमक हल्का सा सरसों तेल डालकर मिक्स कर दिए हैं, ताकि भरभरा ना रहे, एक दूसरे में चिपके रहे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा लेंगे सत्तू, देख सकते हैं थोड़ा सा लेकर इस तरह इसका मुंह बंद कर लेंगे, बंद करके इस तरह से जहाँ थोड़ा सा होगा इसका निकाल लेंगे, और इसको इस तरह से मुंह बंद कर देंगे। अब इसको बेलना है नहीं, इसको अब बिल्कुल बेलना नहीं है आपको, इस तरह से हाथ चक्का कर ली है लुई, तो इसको हाथ से धीरे सा प्रेस करना है, इस तरह करके इसको हल्का सा चपटा कर देंगे। अगर हाथ से नहीं हो पाता है तो आप इस तरह से चौकी पर रख के हल्का सा इस तरह से हाथ से प्रेस कर देंगे, तब चपटा हो जाएगा। तो देख सकते फ्रेंड्स यहाँ कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं, रिफाइंड गर्म हो गया है। अब इसको हल्का सा सिम कर देना है, और इसी में कचौड़िया को डाल देना है। एक तरफ सिक गया है, अब दूसरी तरफ इसको पलट देते हैं। और सिम ही इसको रखना है, तो फ्रेंड्स मेरा फुली फुली कचौड़ी यहाँ पे बनके तैयार है। अब इसको निकाल लेते हैं, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं फाइनली मेरा सब्जी और कचौड़ी बनके तैयार है, साथ में सलाद। तो इसको प्लेट में निकालते हैं फ्रेंड्स, आप लोग भी जरूर बनाइएगा और ठंडे का एंजॉय करिएगा। तो संडे को विशेष करके मैं वीडियो बनाती हूँ फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं मेरा सब्जी और कचौड़ी बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरा कचौड़ी और सब्जी और साथ में सलाद बनके तैयार है, तो देख सकते हैं कितना फुली फुली बन के मेरा कचौड़ी तैयार है। अब इसको बिल्कुल इस तरह से तोड़िए, देख सकते हैं अंदर से कितना खस्ता बन के तैयार है फ्रेंड्स। तो इसको तोड़ते हैं और यहाँ सब्जी में डुबोते हैं, इस तरह से डुबो का सब्जी का आनंद लीजिए फ्रेंड्स, और बताइएगा कैसा बना है। तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, तब तक के लिए बाय।